डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं क्लास ट्वेल्थ के लिए सब्जेक्ट फिजिक्स में। जैसा कि आप जानते हैं क्लास ट्वेल्थ के फिजिक्स में जो हम लोग पिछले दिन पढ़ रहे थे वो एक अपवर्तन सूत्र को पढ़ा था, प्रूफ किया था, और उसपे जो आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए थे उसको मैंने सॉल्व किया था पिछले क्लास में। आइए आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का बात करें, सबसे इम्पोर्टेंट। और ये जो टॉपिक्स आज हम करने वाले हैं ना दोस्त, इसको 3 से 4 बार अपने खुद से प्रैक्टिस करना है इसको, क्योंकि ये वीवीआई क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो चलो आप देख लो ये टॉपिक्स क्या है। इस टॉपिक्स का नाम है दोस्तों लेंस मेकर फार्मूला, लेंस मेकर सूत्र, लेंस मेकर सूत्र। अब ये लेंस मेकर इतना सूत्र इतना इम्पोर्टेंट है कि ये लगभग 1 साल के गैप करने या 2 साल के बाद जस्ट पूछ ही देता है, कभी कभी तो लगातार पूछा हुआ है। पूछता क्या है ना कि आप लेंस मेकर फार्मूला को सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हमको समझना होगा कि लेंस मेकर सूत्र क्या होता है। जैसे कि आप सुने होंगे लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र के बारे में आप सीखे होंगे कि लेंस सूत्र क्या होता है। तो 1/V -1/U = 1/F, उसी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि लेंस मेकर फार्मूला क्या है। तो लेंस मेकर फार्मूला क्या है इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले उसके नीचे एरो देकर यह लिखना पड़ेगा कि 1/F = (μ2/μ1 - 1)/(1/R1 - 1/R2)। दोस्त यही होता है हम लोगों का लेंस मेकर सूत्र। क्या होता है लेंस मेकर सूत्र? अब एफ का तो मतलब जानते ही हैं, फोकस दूरी, और म्यू टू हो गया द्वितीयक माध्यम, एम वन हो गया प्राथमिक माध्यम, और ये 1 का 1 है, और आर वन का मतलब प्राथमिक वक्रता त्रिज्या, क्योंकि आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या, और ये दूसरे का वक्रता त्रिज्या। तो कुल मिलाकर इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इसे लेंस मेकर सूत्र कहते हैं, इसे लेंस मेकर सूत्र कहते हैं। यही है दोस्तों हम लोगों का लेंस मेकर सूत्र। अब लेंस मेकर सूत्र को तो समझ गए कि आखिर किसको कहते हैं, ये चीजें आपको याद रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में कैसे आया हुआ है कि सिद्ध करें कि 1/F = (μ2/μ1 - 1)/(1/R1 - 1/R2)। यानी कि कभी कभी ये फार्मूला को लिख दिया और फिर बोल रहा है कि इसको सिद्ध करें। कभी कभी आपको आ सकता है कि लेंस मेकर सूत्र को सिद्ध करें। तो दोनों का वैल्यू समझिए कि दोनों क्वेश्चन एक ही है, बस अब ये लेंस मेकर बोल रहा है, आपको याद रहना चाहिए कि ये लेंस मेकर होता है। चलिए अब हम लोग भी इसका प्रूफ देखते हैं। तो इसका प्रूफ करने के लिए पहले इसके नीचे फिगर बना लीजिएगा, मेरे पास जगह नहीं है तो इसको मिटाकर फिर फिगर वगैरह क्रिएट करते हैं। सबसे पहले दोस्त यहां पे एक उत्तल लेंस लेना होता है, एक उत्तल लेंस ले लिया, ठीक है। अब इस उत्तल लेंस का अगर बात करें तो दूसरा अपवर्तनांक होगा, सिवाय कि इधर भी प्राथमिक अपवर्तनांक, इधर भी प्राथमिक अपवर्तनांक। यानी जब ग्लास है, जैसे मान लिया कि ये हम लोगों का चश्मा है, इस चश्मे का आप देख पा रहे होंगे तो एक भाग तो इधर हवा में है, इधर अगर बात किया जाए, यहां से अगर आप देख पा रहे होंगे ऐसे, तो यहां से इधर हम लोगों का एयर में है, इधर एयर में है, लेकिन कांच के अंदर का बात करें तो उसका दूसरा माध्यम होगा जिसको कांच का माध्यम कहते हैं। तो आप कुल मिलाकर जान पा रहे हैं कि हम लोग कोई भी अगर कांच रहे या शीशा रहे या लेंस रहे तो उसके बीच का अपवर्तनांक अलग होता है, आई मीन की म्यू टू,
और उसके किनारे वाले का माध्यम म्यू वन है। इसके बीच दोस्त हम लोग एक प्रधान अक्ष को खींचते हैं, जैसा कि जानते हैं प्रधान अक्ष के सबसे बीच वाले पॉइंट को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। और मान लीजिए यहां पे कोई और मान लीजिए जैसे P, यहां पे हम मान लिए हैं बिंदु P, ठीक है, और यहां पे मान लिया जाए दोस्त वस्तु है, यहां पे मान लिया वस्तु है, वस्तु का नाम O है, और इधर हम लोग म्यू वन कर दे रहे हैं क्योंकि माध्यम वही है, इधर भी एयर है, इधर भी एयर है, बीच में कांच है, शीशा है, लेंस है, इसलिए इसका वर्तमानांक हम लोग म्यू टू दिए, ठीक है। अब जैसे ही मान लिया कि इससे एक लाइट, इस ओ वस्तु से एक किरण निकलेगा और लेंस पे पड़ेगा, तो लेंस पे पड़ेगा तो याद रखिएगा हम लोगों को दो इमेज फॉर्मेशन होता है, एक हो गया वास्तविक इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब जिसको आई से सूचित कर सकते हैं, और एक हो सकता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो जो काल्पनिक बन रहा है उसको डॉट डॉट से दिखा दिए, इट मींस कि आई डैश, इसको क्या बोल रहे हम लोग, आई डैश, ठीक है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो हम लोगों का इसके जो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है इस वस्तु का, एक बन रहा है आई और दूसरा बन रहा है आई डैश। हम लोग बात करें तो P से लेकर कोई भी दूरियां हमेशा ध्रुव से मापी जाती है, तो यहां हम लोग P से मापेंगे जिसको प्रकाशिक केंद्र कहेंगे लेंस के लिए। तो यहां से वस्तु O की दूरी पर है, इसलिए वस्तु दूरी को हम लोग U बोल सकते हैं। और दोस्तों P से लेकर I तक की प्रतिबिंब दूरी है, इसलिए इसको यहां से लेकर यहां तक भी बोल सकते हैं। और वही नहीं, P से लेकर I डैश तक की दूरी को V डैश बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर हम लोगों का ये डायग्राम क्लियर हुआ। यहां नाम दे दीजिए सपोज दैट M, क्लियर। अब आप इस फिगर में क्या क्या लिखेंगे कि एक उत्तर लेंस है और उत्तर लेंस से हम लोग यहां पे उत्तर लेंस से किसी यू दूरी पर कोई वस्तु को रखने पर दो तरह का प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, एक वास्तविक और दूसरा काल्पनिक। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है उसको आई से सूचित किए हैं, और जिसका काल्पनिक प्रतिबिंब बन रहा है उसको हम लोग आई डैश से सूचित किए हैं। और आई तक की दूरी ध्रुव से लेकर या प्रकाशिक केंद्र से लेकर प्रतिबिंब तक की दूरी को भी से सूचित करते हैं, तो यहां से यहां तक भी और यहां से यहां तक भी। अब आप अपवर्तन सूत्र से चलेंगे, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र से। वहां पे पढ़े थे कि बाद वाला यानी कि म्यू टू बाय वी डैश है ना, क्योंकि म्यू टू यहां है टोटल, सॉरी म्यू टू तो लेंस का माध्यम, और बटा वी डैश क्योंकि हम सबसे लॉन्गेस्ट वाला लिए हो गए हैं, जितना दूर पे वस्तु है बड़ा उतना ही दूर पे उधर एक कल्पना किया जा रहा है कि प्रतिबिंब भी बनेगा, इसलिए यहां पे कर दिए वी डैश। और माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू, देख रहे हैं, म्यू टू बाय वी डैश माइनस म्यू वन बाय यू, और म्यू टू माइनस म्यू वन बट्टा में दोस्त आर होता है, तो हम आर को बना लिए आर वन, और ये हम लोगों का हो गया समीकरण नंबर एक, ठीक है। अब चीजों को अच्छे से देखिए, अच्छे तरीके से देखिए, तो पता चल रहा है अपवर्तन सूत्र से हम क्या फार्मूला जानते हैं, तो फार्मूला जानते हैं म्यू टू बाय वी माइनस म्यू वन बाय यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बटा में आर, यही नहीं जानते हैं हम लोग अपवर्तन सूत्र से, इसको भी हम लोगों ने प्रूव किया था। तो ये भी के जगह पे याद रखिएगा कि पहला समीकरण बनाते समय हम लोग दूरी वाला प्रतिबिंब दूरी लेते हैं,
यानी कि सबसे दूर वाला लिया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग और बात किए जाए पुनः, पुनः इसमें हम लोग यूज करेंगे पुनः, तो अब की बार क्या होगा, तो जब हम यहां से यहां तक के बात किए तो बाद वाला म्यूटू था, तो म्यूटू बटा ब्रीडेस। अब हम लोग राइट साइड वाला काम करते हैं, अब म्यूटू है और म्यूवन है, तो म्यूटू के राइट साइड में कौन है, म्यूवन, इसलिए हम लोग करेंगे म्यूवन बटा वी माइनस म्यूवन हो गया कहां से कहां तक, पी से लेकर राइट, पी से लेकर राइट म्यूवन है, अच्छा माइनस, माइनस करेंगे म्यूटू बटा वीडेस। अब म्यूटू बटा वीडेस क्यों, वो समझिए, क्योंकि हम लोग जब कभी भी लेते हैं तो बाद वाला M2 था, तो M2 बटा में टोटल डिस्टेंस वीडेस माइनस म्यू वन पहले था, तो पहले वाला को यहां पे बाद में दिखा जाता है, और बटा में U इज इक्वल टू U, क्योंकि यहां से यहां तक वस्तु दूरी है। तो यहां पे हम लोग क्या किए, सिर्फ राइट साइड देखे, तो राइट साइड में राइट साइड क्या है, म्यू वन बटा वी माइनस म्यू टू, तो म्यू टू के लिए क्या लिए हमेशा लेंगे वीडेस, क्योंकि म्यू टू जो है लॉन्गेस्ट डिस्टेंस है, तो इसका भी लॉन्गेस्ट डिस्टेंस इमेज कम होना चाहिए, प्रतिबिंब कम होना चाहिए, इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बट्टा आर टू, यहां पे आर वन और यहां पे आर टू, यानी कि दो त्रिज्या हम लोगों को यहां पे लेना है, सॉरी म्यू वन माइनस म्यू टू ना, म्यू वन माइनस म्यू टू बट्टा आर टू। अच्छा ऐसा करते हैं हम लोग, इसके बाद कि ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो समीकरण एक और समीकरण दो को जोड़ने पर, तो समीकरण एक क्या था आपको हम दिखाते हैं, एक जो था वो था हम लोगों का म्यू टू बाय वीडेस, म्यू टू बाय वीडेस माइनस म्यू वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय आर वन, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरा क्या था, म्यू वन बटा वी है ना माइनस म्यू टू बाई यू यू इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू बटा आर आर टू। अब ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, तो समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, ऊपर लिखा हुआ है जोड़ेंगे तो इधर से इधर कुछ कैंसिल आउट तो नहीं होगा, तो आप इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने पे क्या आएगा जरा देख लेते हैं, यहां पे आएगा म्यू टू बाय वीडेस माइनस म्यू वन बाय यू प्लस म्यू वन बाय वी माइनस म्यू टू बाय यू। इसको इसको ऐड करेंगे तो म्यू वन माइनस म्यू टू कॉमन आ जाएगा, या म्यू टू माइनस म्यू वन कुछ भी कर लीजिए, तो म्यू टू माइनस म्यू वन अगर कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा क्या, वन बाय आर वन, ठीक है, और यहां क्या बचेगा माइनस, क्योंकि म्यू वन माइनस म्यू टू है ना, हम यहां पर लिए हैं म्यू टू माइनस म्यू वन, तो वन बटा आर टू, तो आर एच एस की तरफ तो आ गया, हमको इधर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है और उसको भी ठीक ठाक करना होगा। तो सबसे पहले कुछ कट तो नहीं रहा है, ठीक है, तो यहां पे हम लोग म्यू टू बाय वी और म्यू वन बाय यू तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे कि म्यू टू बाय वीडेस है और यहां म्यू टू बाय वीडेस है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, दोनों कैंसिल आउट हो गया। अब आप यहां से देख पा रहे होंगे कि म्यू वन हम लोगों का क्या है, कॉमन निकाल लेंगे तो यहां पे बन रहा होगा माइनस वन बाय यू और प्लस वन बाय वी इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन और ब्रैकेट में वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, ठीक है, ये चीजें तो क्लियर है।
अब हम लोग क्या करेंगे यहां से, तो ये जो चीज दिख रहे हैं ना आप न्यू वन, तो यहां पे आप लिख दो न्यू वन और इसको लिख दो प्लस वाले को पहले वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन इज इन टू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। ठीक है, फिर यहां पे क्या करेंगे, यहां म्यू वन किस में है गुना में, तो नीचे चल जाएगा डिवाइड में, तो वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय म्यू वन, है ना। इधर म्यू वन किस में था भाई गुना में, तो कहां चल गया उधर डिवाइड में, और बाकी सब तो वही रहेगा वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। ठीक है, उसके बाद करेंगे क्या, तो फार्मूला जानते हो ना लेंस फार्मूला से, लेंस सूत्र से जानते हैं कि वन बाय वी माइनस वन बाय यू वन बाय एफ होता है, और म्यू टू और म्यू वन से डिवाइड करेंगे तो यहां हो जाएगा म्यू टू बाय म्यू वन, और म्यू वन से म्यू वन कट जाएगा एक बार में अलग अलग तोड़ेंगे तो, और यहां हो जाएगा वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू। दोस्तों यही है हम लोगों का लेंस मेकर फार्मूला, और इस लेंस मेकर फार्मूला को बार बार प्रैक्टिस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था ये जिसको हम लोगों ने सीखा, तो आप बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से हैंडल कीजिएगा, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, और फिर इस पे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगा हम लाएंगे अगले दिन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।